Hello everyone, welcome to Unacademy. Ace your school exams with Unacademy by buying a plus subscription at 10% off using the code MANAN10. Okay, this is my code. Welcome to the class. My name is Manan, as you all know, and I am a maths teacher at Unacademy, and I have over 5 years of teaching experience, and also I am a graduate from MBM Engineering College, Jodhpur, 2017 batch in the BE Electrical and Electronics Engineering. And today, I'll be teaching you class 6, chapter number 1 of mathematics, which is knowing our numbers. Hum kya kya padhenge? Aapke saamne hai. We'll be reading, we'll be learning, comparing quantities, comparing numbers. Hum wahan pe large numbers and commas padhenge, expansion and brackets padhenge, estimation padhenge, and Roman numerals bhi padhenge. Okay? So, let's start it. Yahan pe in classes ke andar aapko pura ek chapter complete karke diya jayega, and you can read it later on. आज भी पढ़ सकते हैं, लेटर कभी डाउट आता है तो भी रीड देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. कंपेयरिंग नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ टू कंपेयर अ नंबर. देखो, नंबर क्या हो सकता है कंपेयर करते टाइम, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा. लाइक आपका बर्गर छोटा है या फिर आपका बर्गर मैक महाराजा लाइक बड़ा है. तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी सीइंग द नंबर्स कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है. अब देखो, इतनी मैथ्स आपको आती है इसीलिए आप क्लास 6 में हैं. आप ये मुझे देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर सबसे बड़ा है, बिकॉज ये 4400 से ऊपर है सर, इट इज 4300 से ऊपर, इट इज 4500 से ऊपर, बट इट इज अ लार्जर वन. 4892 इज द लार्जेस्ट नंबर. ओके, बट लार्जर नंबर लार्जर क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है. मतलब कि 4892 की वैल्यू बाकी नंबर से ज्यादा है. ओके, छोटा नंबर, छोटा हमारे पास कौन सा है, वी हैव अ 4370, द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज 4, तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी. ये है बिल्कुल हमारा बेसिक हमारे एक्सपेरिमेंट का. ओके, सो ये तो कोई हार्ड है नहीं. हम फिर बढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ. मतलब कि इनका सिंपल वर्ड्स में क्या समझेंगे हम, असेंडिंग मतलब यू आर असेंडिंग, असेंडिंग मतलब लैडर पे ऊपर चढ़ रहे हैं या फिर माउंटेन पे क्लाइम कर रहे हैं, तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे. एंड डिसेंडिंग मतलब यू आर डिसेंडिंग, मतलब कि ऊपर से नीचे आएंगे. ओके, सो असेंडिंग में देखते हैं, असेंडिंग मतलब बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बढ़ता क्रम. ओके, या चढ़ता क्रम भी यूज करते हैं कुछ लोग. सो लोअर टू हायर हो गया असेंडिंग, एंड हायर टू लोअर हो गया डिसेंडिंग. एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास एक नंबर्स जहां पे हम अरेंज करेंगे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में. बेसिकली सबसे छोटा पहले लिखना है एंड उसके बाद सबसे बड़ा लिखते जाना है, उससे बड़ा बड़ा करते हुए. सबसे छोटा 234 या 264 में से, 234 ऑब्वियसली. इसके जस्ट बड़ा कौन सा है हमारे पास, अब आप आंसर में 235 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे नंबर्स में से हमें जज करना है. सो आई विल बी हैविंग 264 एज द नेक्स्ट नंबर. उसके बाद हम 300 में पहुंच जाएंगे बिकॉज 200 की लाइन खत्म हो चुकी है, कोई और नंबर नहीं है. सो इट विल बी 345. आफ्टर दैट आप लोग कॉमेंट में आंसर करते रहिए साथ साथ कि क्या होगा नेक्स्ट नंबर. ठीक है, अपनी कॉपी में आंसर कर लीजिए. दिस विल बी द फाइनल, इट हैज अ लोएस्ट नंबर 234, उससे बड़ा 264, उससे बड़ा देन बड़ा, एंड द लार्जेस्ट अमंग ऑल इज द एट द एंड. सो क्या आप असेंडिंग ऑर्डर में गए, हम क्या सबसे छोटे से एक एक स्टेप ऊपर करते हुए सबसे बड़े तक पहुंच गए. This is your ascending order. This is the very, very, very basic thing of mathematics. आप किसी मर्जी क्लास में चले जाएं, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला. Ascending, descending. Okay? Let's say आप स्कूल में गए जब, ठीक है, स्कूल में गए और आपके क्लास में बच्चे थे, उनको हाइट्स के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं असेंबली में. स्कूल असेंबली में प्रेयर चल रही थी आपकी, आपको उन्हें अरेंज करना था. आप मान लो टीचर हो, एज अ टीचर खुद को समझो. ठीक है, सामने असेंबली है, ठीक है, मुझे बच्चों को ऐसे अरेंज करना है कि सबको दिख जाए, सबको दिख जाए. ठीक है, तो अब क्या करोगे, सबसे छोटा सबसे आगे, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा. बट आप तो टीचर लास्ट में खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा, सबसे लंबा वाला आपके तरफ फर्स्ट नंबर पे है, राइट, सबसे लंबा वाला आपकी तरफ है. सो सबसे लंबा वाला बच्चा 145 सेंटीमीटर हाइट का था, उससे छोटा आप उसके आगे खड़ा करेंगे, उसके आगे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे. असेंबली के तरफ फेस करते हुए मुझे यहां बच्चे खड़े करने हैं लाइन में, और आप एज ए टीचर यहां खड़े हैं, तो आप सबसे लंबे वाले को पहले देखेंगे, एंड दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. बट ये असेंडिंग भी हो सकता है, अगर आप यहां खड़ा होकर देखें तो आपको असेंडिंग ऑर्डर दिखेगा,
अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखें तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, विच इज दिस वन जो मैंने नीचे लिखा है। हमने हाइट्स अरेंज कर ली डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े पे जाएंगे, छोटा 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 छोटा, पहुंचे, डन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यहाँ खत्म हो जाता है हमारा। ओके, फिर हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ द डिजिट्स। आपको बोल दिया कि 945 के डिजिट्स चेंज करके छोटा बना दो, आप क्या ट्राई करोगे? ठीक है सर, 9 और 4 को चेंज कर देता हूँ, ये लो, बट फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4 और 5 को चेंज कर दो। इन दोनों के बजाय मैं कभी आपको बोल लूँ कि 4 और 9 को चेंज तो कर दिया, इसके अंदर मैं 9 और 5 को चेंज कर देता हूँ 495, फिर कोई 594 भी बना के आएगा बच्चा हमारा, राइट? बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं, 459 भी पॉसिबल है नंबर्स चेंज करके, बट सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा? सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा? बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ये चलो पहले छोटा सीख लेते हैं। छोटे में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 9, 4 और 5। मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखूंगा, ये लो मैंने रखा 4 यहाँ पर, फिर बाकी बचे नंबर कौन कौन से? 5 और 9। अब मैं उनमें से भी छोटा नंबर रखूंगा आगे, विच इज 5 एंड देन 9। ये कौन सा ऑर्डर हुआ? हमने जस्ट पढ़ा है ये, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसकी वैल्यू बन जाती है सबसे लोअर। क्यों हुआ ऐसा? सबसे बड़ी वैल्यू जो 400 की लाइन में पहुंच गया, बिकॉज हमने सबसे छोटा नंबर पहले रख दिया, हम 900 की लाइन से उठ के 400 पे आ गए, इससे छोटा आप नहीं बना सकते 9, 4 और 5 को यूज करके। बट अगर बड़ा बनाना हुआ, अगर बड़ा बनाना हुआ तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, विच इज 9, 5 एंड 4। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स ऑफ 9, 4 एंड 5। क्या याद रखोगे, कॉपी में क्या लिखोगे? हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा, एंड जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 459 लिखेंगे, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, चल बढ़ते हैं लार्ज नंबर्स एंड कॉमास की तरफ। बच्चों जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, मे बी हम बाद में सॉल्व कर लें उन्हें। ओके, वैसे तो डाउट्स आएंगे नहीं, मनन सर पढ़ा रहे हैं आपको। सो लार्ज नंबर्स एंड कॉमास, देखो अब हमने नंबर्स को पढ़ लिए, छोटे नंबर पढ़ लिए, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट, चलो सर 4 डिजिट भी छोटा ही होता है, 1000 2000 5000, बट लार्ज नंबर्स का क्या मतलब है? द नंबर्स विच आर इन लैक्स करोड़, उससे भी ज्यादा, ठीक है, उससे भी ज्यादा बड़े नंबर्स को बोला जाता है लार्ज नंबर्स, एंड उनमें एक फिक्स नोटेशन होती है। आप सिंपली नहीं लिख सकते कि 5, 7, 9, 5, 9, 2, 5, 7, 8, 7, ऐसे लिख के नहीं दे सकते, इट डजेंट लुक गुड, और हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते अच्छे से। वी विल बी लर्निंग कॉमा कैसे यूज करते हैं। ओके, सो नंबर्स विच आर 10,000, lakhs, crores या मोर देन दैट, इनको बोला जाता है लार्ज नंबर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज नंबर इनको मैंने बोल दिया। सो नंबर 1 में कितने जीरोज हैं? 0। नंबर 10 के अंदर कितने जीरो हैं? 1। सिमिलर वे 100 में 2 जीरो हैं, 1000 में 3 है, लाख में 5 है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे, फिंगर्स पे 1 को काउंट नहीं करेंगे, 10 से काउंट करेंगे, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, उससे ऊपर 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 100 crore। ध्यान क्या रखना है, 1000 के बाद 10,000 आएगा ही आएगा, लाख के बाद 10 lakh आएगा ही आएगा, करोड़ के बाद 10 crore आएगा, फिर 100 crore, या फिर आप अमेरिकन या फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से आप 1 billion भी बोल सकते हैं। करोड़ लाख होता है इंडियन वर्जन हमारा जो हम यूज करते हैं, बट बाहर मिलियन या बिलियन चला करता है। तो 10 lakh होगा अ मिलियन, एंड 100 crores होगा अ बिलियन। जीरो का फर्क देखो, 6 zeros से 9 zeros हो गए। तो जब भी आपके पास 9 zero या फिर अ टोटल ऑफ ये क्वांटिटी आएगी इस टाइप की, आप उसे बोलेंगे अ बिलियन। ओके, एंड अगर आपके पास इस टाइप की क्वांटिटी आएगी जिसमें आप क्या 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 digits होंगे 6 of zeros के साथ, आप बोलेंगे उसे 10 lakh। जैसे कि हम काउंट भी करेंगे इसे, बट मैं काउंटिंग सिखा दूंगा, डोंट वरी। इन सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, देखना इन सब नंबर्स में और इन सब नंबर्स पे कॉमास पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये ध्यान देंगे, फर्स्ट कॉमा 3 digits के बाद ही, जी हाँ, नेक्स्ट कॉमा भी हमारा 3 digits के बाद ही है,
ठीक है, इसके अंदर भी थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा है, इसके अंदर भी थ्री डिजिट्स के बाद है, उसके बाद टू डिजिट्स के बाद है, ठीक है, याद रखूंगा मैं। तो मतलब कि यहां भी थ्री के बाद फर्स्ट कॉमा एंड टू के बाद सेकेंड कॉमा आएगा। यस, थ्री के बाद फर्स्ट कॉमा, टू के बाद सेकेंड, फिर टू के बाद फर्स्ट कॉमा। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ पुटिंग द कॉमास। आप फर्स्ट कॉमा पुट करेंगे हमेशा थ्री नंबर्स के बाद में, फिर हर बार टू नंबर्स के बाद में कॉमास रखेंगे। मतलब क्या हुआ ये देखो, 10, 100, 1000, फिर 40 पे आता है हमारे पास 10,000। ये देखो ये रहा, अगर आप 5,000 लिख के आएंगे इट इज 5,000, आप 50,000 लिख के आएंगे तो ये 50,000 आपको दिख रहा है, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो दो दो एक साथ हो गए ना, 1000 के दोनों एक साथ, करोड़ लाख के दोनों एक साथ, और 10 करोड़ के नाम है, करोड़ के एक साथ हो गए, लाख एक साथ हो गए, ऐसे बोला जाता है इन्हें। ओके, सो अगर मैं इस नंबर को लिखने जाऊं विद द कॉमा कॉमास, हम क्या लिखेंगे, यहां पे इस पोजिशन पे एक कॉमा आएगा, फिर दो दो को छोड़ के कॉमा जाएंगे, जहां जहां मेरे डॉट्स हैं वहां वहां मैंने कॉमा पुट कर लिए। ओके, डन, इट इज डन। बहुत बेसिक कॉमा समझ लिया हमने, फर्स्ट तीन नंबर देखेंगे, फिर कॉमा, फिर दो के बाद कॉमा, फिर दो के बाद कॉमा। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, नंबर कितना भी छोटा या बड़ा हो, दिस इज द स्टैंडर्ड। थाउजेंड से लेके लैक्स, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड्स तक यही चलेगा, हर जगह यही चलेगा। तीन के बाद एक कॉमा, दो के बाद एक कॉमा, दो के बाद एक कॉमा। सो एनसीईआरटी खोलो, एक्सरसाइज खोलो, एग्जाम्पल मिलेंगे कुछ, कॉमास ला के देखो होता है कि नहीं सही। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड द ब्रैकेट्स। ओके, एक्सपेंशन एंड द ब्रैकेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सामने है व्हाट इज एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंडिंग द नंबर, अरे सर 500 to 1 को कैसे एक्सपैंड करूं मैं, इसको बड़ा करने का मतलब ही क्या है? तो हम वो ही देखेंगे कैसे बड़ा किया जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज हम उन नंबर्स को बड़ा करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर होता है तो उसमें कोई वंस पोजिशन होती है, कोई टेंस होती है, कोई हंड्रेड होती है, कोई थाउजेंड पोजिशन होती है, एंड सो ऑन, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ती रहती है। ओके, पोजिशन हम पढ़ लेते हैं, पोजीशन का मतलब क्या है, ये नंबर्स का मतलब क्या है, यूनिट, टेंस और इन सब का। सो एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज, लाइक लेट्स एग्जांपल 4573, इट इज कॉमनली नोन एज 4573, हम यही बोलेंगे, राइट, या फिर 4573। इसमें तीन सबसे पहले लिखा है तो इट विल बी अ यूनिट प्लेस। ठीक है, सेवन पहले बाद में लिखा है तो सेवन विल बी द टेंस प्लेस, उसके बाद आएगा हंड्रेड्स, उसके बाद आएगा थाउजेंड्स। इन मोर सिंपल वेज मैं सिर्फ 73 लिखता हूं, क्या मैं उसे 70+3 लिख सकता हूं? क्या आपने इतना पढ़ा है कि 70 को 7 × 10+3 लिख सकते हैं? तो देखो 3 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो इट इज अ यूनिट प्लेस। 7 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज अ टेंस प्लेस। अब मैं आगे 5 लगा दूं तो क्या मैं आगे 500 ऐड कर सकता हूं? 500 विल बी 5 × 100, इट इज अ हंड्रेड्स प्लेस। एंड उसके बाद 4000 भी ऐड कर दूंगा ये 4 के साथ, तो क्या मेरे पास 4 × 1000 आ जाएगा? इट इज अ थाउजेंड्स प्लेस। एंड अगर मैं इन चारों को मैं निकाल के गायब करके यहां लिख दूं लाइन से, क्या इन सब का सम 4573 है? देखो ये रहा 4000, ये रहा 500, ये रहा 70, एंड ये रहा एट द एंड 3। सम कर लो, 4573 विल बी योर सम। ये नंबर इतना बड़ा करके लिखा गया, हर एक डिजिट को अलग और उसका कुछ मल्टीप्लाई लिखा गया, उसकी पोजीशन लिखी गई, दीज आर द पोजीशंस एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? आपने पूछा सर ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, 8 है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, इट विल बी 8 × 1। अच्छा 1 का क्या फंडा है यार, देखो ये रहा 1, ये रहे 0, 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 हम यहाँ 0 क्यों लगाएंगे? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा भाई, इट इज अ 8 × 1, फिर नेक्स्ट डिजिट है 7 विच इज एट अ टेंस पोजिशन, ये लिख दिया 70, फिर 5 लिखा, 5 इज एट अ हंड्रेड्स प्लेस, इट इज अ 500, फिर हमने 1000 प्लेस ढूंढी तो मुझे 3 मिला, फिर 10,000 प्लेस, फिर लाख वाली प्लेस। तो मैंने इन सबको कंबाइन करके अगर ऐसे लिखना चाहा, 6,50,000, 3,000, 570 और 8,
क्या आप इनका सम निकाल के मुझे ये ही दे सकते हैं? राइट, इट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर के एक्सपैंडेड फॉर्म बोलेंगे तो आप उन्हें वंस, टेंस, फिर आपके हंड्रेड्स, थाउजेंड, इसको आप वंस भी बोल सकते हो, इसको आप यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो, दोनों सही है, कोई मना नहीं करेगा। बट ये पोजिशंस टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ये वाली ही रहेगी। 10,000 आप इन्हें कुछ और नहीं बोलेंगे, 10,000, 1 लाख, इससे बड़ा हो गया तो 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रैकेट्स। ओके, सो ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? आपने ब्रैकेट्स को कहाँ देखा है पहले? हमने मैथ्स में देखा है, हमने इंग्लिश में भी देखा है, बट ये इंग्लिश नहीं चल रहा है, ये मैथ्स चल रहा है। सो हम ब्रैकेट का वर्क मैथ्स के हिसाब से देखेंगे। जब भी आपके पास ऑपरेटर आते हैं, ऑपरेटर्स मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको बोला जाता है मैथ्स में ऑपरेटर्स। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अ कॉमन नेम, इनको यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर फ्लो होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चलो एग्जाम्पल बताता हूँ इसके बाद में। प्रॉपर फ्लो होता है कैलकुलेशन का, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। क्या? आंसर खराब हो जाएगा, गलत आएगा। जैसे कि अगर मेरे सामने लिखा है 3 × 5 + 7, मेरे पास एक प्रॉपर फ्लो जो मैथ्स का बोलता है वो ये बोलता है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाय चांस आप इसको ऐड कर देते हो पहले कि यार 7 + 5 लिखा तो हुआ है, लेट्स मेक इट 12, देन मल्टीप्लाइड बाय 3, यू विल गेट अ 36। इट इज अ रॉन्ग आंसर, आपने पहले एडिशन कर दिया। ठीक है, क्या करना पड़ेगा प्रॉपर फ्लो में? क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेक इट अ 15, देन एड 7 to 8, इट विल बी अ 22, एंड 22 इज द करेक्ट आंसर। बट देखो, मेरे को तो पता है, आपको कैसे पता चलेगा? आप सबने एक चीज सुनी होगी, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या बोलता है? पहले आप ब्रैकेट ओपन करो, फिर आप डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। दिस इज द प्रॉपर फ्लो ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने मैगी बनाने के लिए पहले पानी डाला, फिर आपने मैगी डाल दी और बन गई जब वो, फिर मसाला डाल दिया? अरे ऐसे थोड़ी ना मैगी बनती है। दिस इज नॉट द प्रॉपर फ्लो, राइट? प्रॉपर फ्लो क्या रहेगा? पानी डाल के गरम करोगे, फिर मैगी एंड मसाला आगे पीछे करके डाल दोगे, फिर मैगी बन जाएगी, राइट? तो प्रॉपर फ्लो फॉलो नहीं करोगे तो मैगी खराब हो जाएगी। इन द सेम वे मैथ्स खराब हो जाएगी अगर आप प्रॉपर फ्लो को नहीं समझेंगे तो। आप सिर्फ बोर्ड मास याद करो, और ये कुछ नया नहीं सिखा रहा मैं, हर वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स के लिए ये ही फॉलो किया जाता है, बोर्ड मास। हर बच्चे को बोर्ड मास बोल के देखो, वो इसको पता होगा क्या होगा। आपके बड़े भैया, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, कजन, चाचा चाची, मामा मामी, सबको बोर्ड मास बोल के देखना, उनको पता होगा बोर्ड मास क्या होता है, वही समझा देंगे आपको। बोर्ड मास याद करना जरूरी है, दिस इज द प्रॉपर फ्लो ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो इसको फॉलो करना है मुझे इसके अंदर, तो मैं साइड में छोटा सा लिख दूंगा बोर्ड मास। कौन देख रहा है? पेंसिल से लिख दूंगा मैं। बोर्ड मास बोल रहा है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन, डिवीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन, तो ये लो मल्टीप्लाई, ये रहा 6 × 20 = 120, फिर एडिशन, 32 ऐड कर दो, कितना आएगा? 152। दिस विल बी द आंसर। अब आप बोलोगे सर डिवीजन भी नहीं था, ब्रैकेट भी नहीं था, सब्ट्रैक्शन भी नहीं था, मैंने क्यों लिखा बोर्ड मास? ताकि आप इन दोनों रूल्स में फॉलो कर सको। बोर्ड मास लिख लो, जो जो दिया हुआ है उनका सीक्वेंस निकाल लो। जैसे कि एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, 19 + 21 × 12। अभी तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि साइड में जब बोर्ड मास लिख देंगे तो मल्टीप्लीकेशन पहले फिर एडिशन, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये रहा मल्टीप्लाई का पार्ट, इट विल बी 2 and 25 + 19, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 271। ओके, इसका करेक्ट आंसर आएगा 271। गलत करोगे तो क्या आएगा? सर 19 21 सम करके 40 लिख के 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 480 आएगा। इट इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है। बट सर आपने तो बोला था ब्रैकेट का क्वेश्चन है ये, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? तो बेटा जी, जो हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम उनको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है कि भाई ब्रैकेट ओपन कर लो, ये लो 15 + 7 = 22, ये रहा मेरा ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया 120 + 32, इट इज 152।
बट फोर से, बट ऐसा सोच लो कि ब्रैकेट यहां लगा होता तो बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है भाई? पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, मेरे को तो आता नहीं, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाद में होगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? 20 + 32 विच इज 52 × 6। अब डिवीजन नहीं है बट मल्टीप्लीकेशन है। नाउ यू विल मल्टीप्लाई इट एंड मेक इट 312। नाउ दिस विल बी द आंसर, अगर हमारे सामने ब्रैकेट हुआ तो। नहीं है तो आपको आंसर पता है हमारा क्या आया था, 152। ठीक है, ब्रैकेट लगा हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है उसके अंदर बोर्ड मास लगा दो, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे। चलो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ तो इसका सम हो जाएगा 40, ये मल्टीप्लाई में 12, इट विल बी 480। अब ये 480 सही है, ठीक है, बोर्ड मास का रूल जरूरी है। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्रूशियल होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है तो आंसर गलत आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, बट अगर सिस्टमैटिक अप्रोच है तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, सिंपल आएगा और करेक्ट आएगा। मैगी सही से खानी है ना, तो मैथ्स भी बोर्ड मास सीख लो सही से। ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी रीडिंग इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन नाम से लग रहा है, एस्टिमेट करना। डो नॉट कैलकुलेट फुली, जस्ट एस्टिमेट इट। ओके, सो एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एक फ्लो मैथ्स के अंदर सिस्टमेटिक फ्लो आएगा, द फ्लो इज दिस। स्टेप 1, चेक करो आपका नंबर 5 से बड़ा है कि नहीं है। लेट्स से आपका नंबर फॉर एग्जाम्पल 8 था, ठीक है, 5 से ऊपर है, इसको 10 में चेंज कर दो, बिना बोले चेंज कर दो। मान लो नंबर 5 से छोटा था, मतलब कि लेट्स से 4 था, उसको 0 में चेंज कर दो। अब ये भी पूछोगे 5 हुआ तो क्या हुआ, तो 5 पड़े रहने दो। ठीक है, आपको तीन चीजों से डील करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट टेंस वाले डिजिट में चेंज कर दो, 5 से छोटा है तो पीछे वाले पे ले जाओ, 0 पे आ गए। चलो एग्जाम्पल का यूज करेंगे, द प्रोसेस इज नॉट यूनिक, ये नॉट लिमिटेड टू यूनिट डिजिट्स, मतलब हमने 5, 8, 4 लिए ना, ये हम टेंस जो आते हैं 15, 20, 75 या 100 से 1000 प्लेसेस में भी यूज कर सकते हैं, हमें मेंशनड होगा। जैसे कि 654 अगर हम ले जाएं तो वो 700 के ज्यादा पास है या 600 के ज्यादा पास है? देखो इन दोनों के बीच में गैप है 54 का, माइनस करके देख लो 654 में 600, 654 से 600 जाने के लिए मुझे 54 स्टेप चलने पड़ेंगे, बट 654 से 700 जाने के लिए मुझे सिर्फ 46 स्टेप चलने पड़ेंगे। पास में कौन खड़ा है, पास में कौन खड़ा है? 46। जैसे कि ये मानो एस्टिमेशन के अंदर इस नंबर को मुझे चेंज करना है या किसी के पास लेके जाना है, आपके घर के गेट पे एक फ्रेंड खड़ा है, एक छत पे फ्रेंड खड़ा है, छत है मान लो सेकेंड फ्लोर के बाद में, आप कहीं बीच में खड़े हो, तो आप किस दोनों ने एक साथ बुलाया तो आप क्या बोलोगे? अरे तू तो पास में है, अरे तेरे पास पहले जाऊंगा मैं, तो 700 मेरा पास में है, मैं 700 के पास पहुंच जाऊंगा, इन सब का कोई काम नहीं है, मैं नंबर को चेंज कर दूंगा 700 में। दिस इज माई एस्टिमेशन ऑफ 654 to 700। जैसे कि इन द सेम वे अगर मुझे इसको चेंज करना है, मेरे पास चॉइस है 7700 की या फिर 7600 की, भाई यहाँ तो 43 स्टेप्स हैं, यहाँ 57 स्टेप्स हैं, माइनस करके देख लेना, ये खुद कर सकते हो, ये खुद करना है। 43 स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो मैं 7600 के पास चला जाऊंगा, इट विल बी चेंज्ड टू 7600, ठीक है, अगर ये पास में है तो। ठीक है, चलो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? ये 7600 आएगा, ये वाला 77 ही था, देन इट विल बी चेंज टू 7600। ठीक है, 100 प्लेस को हमने चेंज किया है, आपको दिख रहा होगा 7643 में इसको कांस्टेंट रखा है, इसको देख रहे थे हम 7700 या 7600 के अंदर, या तो ये या तो ये, बाकी डिजिट 0 हो गए। देखो तो चेंज अगर इसको किया जा रहा था तो इट इज अ हंड्रेड्स प्लेस, तो इट इज अ हंड्रेड्स प्लेस राउंडिंग ऑफ ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ मतलब आसपास शिफ्ट करना, उसे राउंड ऑफ करना। ठीक है, इट इज अ हंड्रेड्स प्लेस राउंडिंग ऑफ, बट अगर मैं इसी नंबर को अ थाउजेंड्स प्लेस राउंडिंग ऑफ करता, मतलब सर हंड्रेड्स प्लेस तक सब 0, थाउजेंड प्लेस पे ये 8000 के पास है या 7000 के पास है, ठीक है,
थाउजेंड प्लेस में क्या आएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे। तो 7,000, 7,000 या 8,000 के बीच में बैठा है नंबर, यहाँ से ये पास में ज्यादा है ना कि इसके, थाउजेंड प्लेस राउंडिंग ऑफ के अंदर इसको मैं 8,000 में चेंज कर दूंगा। मतलब कि क्या समझा, हंड्रेड प्लेस राउंडिंग ऑफ के अंदर इट विल बी चेंज्ड टू 7,600, बट 1,000 प्लेस राउंडिंग ऑफ में इट विल बी चेंज टू 8,000। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है? कौन से प्लेस की राउंडिंग ऑफ कर रहे हो उसको बास के अलावा बाकी सबको जीरो डाल दो। जैसे कि एस्टिमेशन से इस क्वेश्चन को यूज करूंगा मैं, देखो मेरे पास तीन तीन डिजिट है दोनों में, तीनों दोनों के दोनों हंड्रेड्स डिजिट हैं, तो मैं दोनों के राउंडिंग ऑफ भी हंड्रेड्स वाली करूंगा। 363 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, किस किस के बीच में है ये, 300 400 के बीच में, पास किसके हैं, 400 के, इट विल बी चेंज टू 400, ये रहा मेरा 400। 234 किसके पास में है, 300 के या 200 के, अरे ऑब्वियसली 200 के, 34 स्टेप चलने सिर्फ, तो ये लो 200, इनका आंसर निकाला 600 विल बी द आंसर। ओके, एस्टिमेशन का सॉल्यूशन आया 600। अगर मैं प्रॉपर एडिशन करूं भाई बड़े तरीके से, ये लो एडिशन किया तो मेरे पास आया 7, सही लिखा है ना, 7, 9 और 5, 597 ओरिजिनल आंसर आया। क्या ये काफी क्लोज है? तो एस्टिमेशन में क्लोजली आंसर निकाला जाता है, कोई ज्यादा एग्जैक्ट नहीं निकाला जाता, आसपास का आंसर जहां चल जाए, ठीक है? जैसे अगर आप 600 नेल्स लेने चले गए मार्केट में, 600 600 जेम्स लेने चले गए मार्केट में, अब अकाउंट थोड़ा ना करोगे 600 है कि नहीं है। भैया ने बोल दिया एक डब्बे में 363 है, एक में 234 है, आप बोलोगे हाँ हाँ ऐड करो इनको, आसपास है, 363 वाला 400 के आसपास है, 234 वाला 200 के आसपास है, कर दो 600 ऑलमोस्ट हो जाएंगे, एक एक थोड़ा ना काउंट करने बैठोगे। तो इसलिए एस्टिमेशन यूज किया जाता है कभी कभी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 567 को मैं चेंज करूंगा 600 के अंदर, क्योंकि वो 600 के ज्यादा पास है, एंड 435 को आई चेंज टू 400, मैंने माइनस करके आंसर निकाला 200, बट एस्टिमेशन में ये आया ओरिजिनल आंसर 132 था। तो कभी कभी एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, बट आपको चेक नहीं करना गलत है या सही है, आपको एस्टिमेशन बोला जाए हंड्रेड प्लेस वाला तो 200 लिख के आ जाना है वहां पे इस तरीके से, ठीक है? ओरिजिनल आंसर कुछ भी हो, ये बस मैंने बताने के लिए कहा कि फाइल की बहुत क्लोज भी हो सकता है, बहुत दूर भी आ सकता है, बट इट डजेंट डिपेंड कि हमारा आंसर गलत है या नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता, हमारा आंसर 200 आएगा यहाँ पे, हमें नहीं पता आगे। ऐसे क्वेश्चन कॉम्बैट में भी आते हैं हमारे। ओके, सो जैसे कि इसको करना चाहेंगे हम एस्टिमेशन से मल्टीप्लीकेशन, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया, 57 को दो दो डिजिट है यार, तो किस में एस्टिमेशन करोगे, टेंस डिजिट के अंदर, तो एक तो 50 या 60 के बीच में लिया जाएगा, 60 के ज्यादा क्लोज है, आई चेंज इट टू 60, एंड 22 इज मच नियरर टू 20 देन टू 30, तो मैं 22 वाले को 20 में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, 1200 मल्टीप्लीकेशन आ गया मेरे पास, एस्टिमेशन सॉल्यूशन आया 1200, बट एक्चुअल सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो इट विल बी 1254, थोड़ा सा कमी तो हुआ है, ओरिजिनल आंसर थोड़ा कमी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टिमेशन का आंसर आएगा 1200। ओके, चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, इट्स ओके, ठीक है? वैसे डाउट होंगे नहीं, बेसिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो, क्वेश्चन अगर मैंने कोई कराया तो आपको पक्का एक्सरसाइज में मिलेगा एक आध क्वेश्चन और, ठीक है? एग्जाम्पल मिलेगा या एक्सरसाइज मिलेगा, हाथों हाथ सॉल्व करके दिमाग में पक्का कर लो अभी के अभी, ठीक है? रोमन न्यूमरल्स आपने 1, 2, 3, 4, 1,000, 100 करोड़ सब पढ़ लिया, बट रोमन नंबर्स बहुत काम आते हैं मैथ्स के अंदर, बहुत जगह यूज किए जाते हैं मैथ्स में, स्टैंडर्ड हमारे नंबर्स के अलावा रोमन भी यूज किए जाते हैं, नॉट ऑलवेज बट रोमन ही इकलौते ऐसे न्यूमरल्स हैं बाकी नंबर्स के अलावा जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो रोमन देखते हैं क्या होते हैं। रोमन नंबर हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम की तरह ही होते हैं, जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लगे रहते हैं, रोमन नंबर्स में भी ऐसा ही होता है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। वन को आई या फिर वन से डिनोट किया जाता है, टू को डबल हो गया, थ्री को ट्रिपल हो गया, चार को अब चार नहीं किया जाएगा, बड़ा हो जाता है, चार को हम 5 के -1। देखो कैसे, अगर 5 में 1 ऐड करना है तो आई आगे लिखा जाएगा, 5 में 1 माइनस करना है तो आई पीछे लिखा जाएगा, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो 3 का सही है ना, नहीं सही, क्योंकि 3 की नोटेशन है,
तो अगर हमारे पास 1, 2, 3 तक की टर्म्स आएगी लास्ट में, हम इनको 3 तक ले जा सकते हैं। जैसे ही 4 आएगा, मुझे 5 वाले में एक माइनस करना है, 6 में 6 वाले में एक प्लस करना है। आप समझ रहे होगे कि 7 ऐसे लिखा जाएगा, 8 ऐसे लिखा जाएगा, बट 9 ऐसे नहीं आएगा। 9 10 के क्लोज हो गया, तो 10 से कम आएगा। 10 की नोटेशन क्या है? एक्स, तो एक्स से कम। 11 एक्स से ज्यादा। 14 कैसे आएगा? 14 विल नॉट कम लाइक दिस, इट विल बी 10, फिर 5, बट 5 से एक कम। ठीक है, 10 फिक्स है ना, ये मत लिखाना, ये गलत हो जाएगा। 10 तो पूरा हो चुका है ना, तो 10 को पूरा लिखूंगा। फिर 1, 2, 3, 4 लगाना है, तो 4 की नोटेशन ये है। फिर 10 के बाद 5 और एक 6, 16 की नोटेशन। ऐसे ही V लिखा जाता है 5 को, जो हमने लिख के देख लिया। 10 को लिखा जाता है X, 50 को L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। ये आपको बस कॉपी में लिख लेने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रट के ये बैठना है, यूज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार इतना याद कर लो, 6 ये ऊपर के याद करने होंगे, तो तब तक की तक देखेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में भी इतना ही है। हम देखते हैं, 100 को लिखा हमने C, हमने यही लिखा था, 100 को C लिखा था। 20 को लिखना हुआ तो X और X लिख देंगे, 30 को फिर X, X और X लिख देंगे, 40 को क्या लिखेंगे? समझ आ रहा है? 40 मतलब 30 के ऊपर अब 4 बार X नहीं लिखेंगे इसे, इसको लिखा जाएगा 50-1। 50 अगर L है तो 50-10 लिखा जाएगा। 60, 70, 80, 90 क्या होगा? 100-10। समझ आ गया? जब भी 9 या 4 दिख रहे हैं आपको, इट विल बी 550 या 100 के एक माइनस में। बस इतना काम का है और कुछ काम का नहीं है। रोमन नंबर 55 को लिखना है। आपने पढ़ लिया कि सी को लिखा जाता है, सॉरी एल को लिखा जाता है 50, एल लिखा, 5 क्या है? वी। हो गया 55, डन, इट इज अ 55, दैट्स इट। रोमन नंबर में 55 को एल और वी करके ही लिख दिया जाता है, दैट्स इट। बट अगर रोमन नंबर सिस्टम में 503 को लिखना है, तो जस्ट पीछे जाके देख लेंगे कि 500 को क्या बोला जाता है, इट इज अ डी। तो मैं लिख दूंगा 500 का डी, 500 कवर हो गया, 3 बचा, तो आई आई एंड आई, डन। फॉर एग्जाम्पल 509 को लिखना होता तो मैं डी से 500 कवर कर गया, 9 के लिए 10 से एक नीचे आ जाऊंगा, दिस इज 509, दिस इज 503, ओके, डन। चलिए इसके अलावा ट्राई करो 68 लिखने का। आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे पहले 60 तक पहुंचना है, तो 50 के लिए मैंने L यूज करा, L ही था ना 50 के लिए, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। L 50 के लिए, 60 के लिए X आ गया, हो गया 60, अब बचा 8। 8 का तो सिंपल है, 111, ये 5 और 3, ये हो गया हमारा 68 का नंबर। क्लियरली मैं ऐसे लिख देता हूं, 68, इट इज अ 68। एंड हमारा यहाँ पे 97 को कैसे लिखा जाएगा, मैं वेट कर रहा हूं यहां, पॉज करके 97 को लिख के दिखाइए मुझे, 5 सेकंड दे रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। 97 कैसे लिखा जाएगा? मैं 100 पे जाऊंगा, मैं 100 पे जाऊंगा या 90 पे जाऊंगा, ये बताओ पहले तो मुझे, 100 पे जाऊंगा या 90 पे जाऊंगा, खुद सोचो। मैंने अभी तक नंबर कराया, 7 का कोई काम नहीं था, तो पहले मैं 90 पे पहुंचूंगा। 90 मतलब L, L के बाद क्या आएगा? L भी नहीं आएगा, सोचो आप लोग सोचो, मैंने आप पे छोड़ा है काम ये कि क्या आना चाहिए यहां पर। ओके, वीडियो पॉज कर लो या बैठो, आपको निकाल के देना है इसका। ओके, चलिए चलो अब मैं सिखा देता हूँ, थोड़ा अजीब सा होगा, देखना। 100 गया, 90 पहुंचने के लिए 100 से 10 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 100 पहुंचने के लिए 100 से 10 कम कर दिया, तो C के पहले X लिख दिया, इट इज़ अ 100, इट इज़ अ 10। फिर 7 जाने के लिए 5, 6 और 7, 9 पे फोकस करने को बोला था याद हो तो, 9 और 4 पे। 90 को X और C लिखा जाएगा, 100 से 10 कम, और 7 तो हमारा नॉर्मल लेटर्स में लिख दिया जाएगा, वी आई आई, दिस इज द 97। ओके, क्लियर। तो चलिए इसी के अलावा
कुछ डाउट्स हैं, कुछ और पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा डीप में, तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्ट से अपने घर पे अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं हमारे कोर्सेज का, मतलब जो कुछ पढ़ा है सब अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो आप। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। यस, मैं भी वहाँ मिल जाऊँगा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा के रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे। एग्जॉस्टिव कवरेज होती है सिलेबस के, मतलब बहुत डीप में कवर होता है सिलेबस। मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाएगी आपको, इवन नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं आपके, फोन में डाउनलोड करो, लैपटॉप में डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल लो, नोटबुक बना लो, कुछ भी कर लो, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ फ्री टू डाउनलोड व्हेन यू बाय अ प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे एंड बैच कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। बैच कोर्सेज में आप ऐसा नहीं है कि एक ही बैच ज्वाइन कर लिया बस हो गया आपका, नहीं, मल्टीपल बैच चालू होते हैं, आप मल्टीपल ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर से पढ़िए, इट इज़ अप टू यू। ओके, दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं आपके, 1 ईयर कोर्स इज 13,500 का, ऑल दो है 15,000 का, बट आप 1 in 10 यूज करके 10% ऑफ ले सकते हो। इट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट एन अकेडमी कैन गिव यू, 1 in 10 का कोड। ओके, यूज करना रेफरल कोड के अंदर, हैव अ रेफरल कोड के अंदर आपका प्राइस 10% इंस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। 25,000 का कोर्स 2 ईयर का, इट विल बी चेंज्ड टू 22,500। मैथ्स के बच्चों को पता होगा 10% ऑफ हो गया, बाकी बच्चों 10% ऑफ हो गया ये। ओके, इसके अलावा आप आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपके पास पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड द बेनिफिट्स ऑफ प्लस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। प्लस वाले सारे बेनिफिट्स साथ में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कोर्स का प्राइस है 25,000, 28,000 फॉर 1 ईयर, जो कि चेंज हो जाएगा 25,200 में 1 in 10 के कोर्स से, एंड 48,000 का है 2 ईयर कोर्स, विच विल बी चेंज्ड टू 43,200 बाई यूजिंग द कोड 1 in 10। ओके, सो अन अकेडमी से पढ़ने के लिए थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, बाकी सब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इसे। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।